क्योंकि जब भी बात आती है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस बार क्या डेलिकेसीज बनेंगी। तो बकरा ईद यानी ईद अल अधा जो है वो आने ही वाला है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता है, जिसमें घर में कई सारी डेलिकेसीज बनती हैं, जिसको रिश्तेदारों और गरीबों में बांटी जाती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी खाने के बिना ना रहे। तो आप लोग बकरा ईद पे यूजुअली नॉनवेज रेसिपीज तो बहुत बनाते होंगे, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसी स्पेशल स्वीट रेसिपीज जिसको आप इस ईद जरूर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली रेसिपी है मीठी सेवइयां। तो मीठी सेवइयां तो हर कोई बनाता है, हालांकि ये मीठी सेवइयां विद अ ट्विस्ट है। जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी यूजुअल मीठी सेवइयां में रुअफ़ज़ा डाल सकते हैं, जिससे कि एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। तो सेवइयां को बकरा ईद का सोल भी माना जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और हाँ, रुअफ़ज़ा डालना ना भूलें। भाई, अगली रेसिपी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मैंगो फिरनी की। आपने फिरनी के बारे में तो सुना ही होगा। ये रेसिपी जो है चावल और दूध को रिड्यूस करके बनाई जाती है, लेकिन ये सीज़न जो है वो आम का भी होता है। तो आप फिरनी को अलग ट्विस्ट देने के लिए मैंगो की प्यूरी बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं, और ये बन जाएगी फिरनी विद अ ट्विस्ट, और सबको बहुत पसंद आएगी, तो इसे ज़रूर बनाएं। भाई, नेक्स्ट रेसिपी जो है वो एक स्वीट कम शेक है। हम बात कर रहे हैं डेट्स शेक की। तो डेट्स जो है वो भी ईद का एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है, तो क्यों ना इसे ड्रिंक पे इन्फ्यूज़ कर दे। जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि कुछ डेट्स बनाना और दूध को मिक्स करके, और साथ ही आप इसमें इलायची पाउडर और कई सारे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, और बस बन गया आपका डेट्स शेक। तो ये जो है ये अरेबियन डाइट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, तो इस ईद आप डेट्स शेक ज़रूर बनाएं और सबको खुश करें। भाई, नेक्स्ट रेसिपी जिसे आप ट्राई कर सकते हैं वो है शाही टुकड़ा। तो यूजुअली शाही टुकड़ा जो है ना, लोग वो बाहर से खरीद के लाते हैं। तो ये ब्रेड और रबड़ी से बनी रेसिपी, जिसको चाशनी में डुबोया जाता है, वो घर पे भी आसानी से बनाई जा सकती है। इसको भी आप एक ट्विस्ट देकर बना सकते हैं। जी हाँ, तो आप शाही टुकड़ा में रबड़ी के साथ साथ कुल्फी डालकर खाइए, इसका मज़ा ही अलग होता है। भाई, लास्ट मीठी रेसिपी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हर घर में ईद के दिन ज़रूर बनती है। हम बात कर रहे हैं शीर खुरमा की। जी हाँ, ये ऑथेंटिक वर्मसिली से बनी एक पुडिंग होती है, जो ईद में हर घर में बनाई जाती है। तो आप शीर खुरमा में भी थोड़ा सा ट्विस्ट डाल सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप इसमें चॉकलेट डालकर बनाएं तो इसका मज़ा अलग ही हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस ईद। तो ये थी ईद के लिए स्पेशल रेसिपीज़ विद अ ट्विस्ट। ईद पर बाकी और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर ज़रूर लॉग इन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।